हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल समस्या समाधान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने आ रहा हूँ रातों रात काले घने और मुलायम बाल करने का यह जबरदस्त घरेलू उपाय। इतना तेज है लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों, चाहे मर्द हो या औरत, हर किसी की चाहत होती है कि उसके बाल काले घने और सुंदर हों। लेकिन पोषक तत्वों की कमी और सही ध्यान न रखने के कारण बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। साथ ही कई लोग बालों के रूखेपन से भी खासा परेशान होते हैं। इसलिए आपके बालों को सुंदर, घना और चमकदार बनाने के लिए हम लाए हैं कुछ ऐसे उपाय जिनके जरिए आपके बालों को भरपूर और पोषण और ताकत मिलेगी और आपके बाल हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बालों को काला, घना और मुलायम करने के घरेलू उपाय, जो कि दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में पूरा देखिए और जानिए ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनकी सहायता से आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी पहली टिप्स है अंडे के पेस्ट में दही मिलाकर इसे बालों में कंडीशनर की तरह लगाएं। इससे आपके बाल स्ट्रांग बनेंगे। हर 3 दिन में बालों की गुनगुने सरसों के तेल से मालिश करें। इससे बालों को नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और सिर के खून का प्रवाह सही रहता है। अगली टिप्स है दोस्तों मेरी, पिसे हुए मेथी के दानों का पेस्ट बनाकर बालों पर लगाने से बालों की रूसी खत्म हो जाती है। इसे बनाने के लिए दोस्तों आप मेथी के दाने लें, उन्हें रात को गलाने के लिए पानी में रख दें और सुबह इसका पेस्ट बनाकर आप इन्हें अपने बालों में लगाएं और बालों में लगाकर इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद अपने बालों को सादा पानी से धो लें। अगली विधि है मेरी दोस्तों, नारियल के तेल में कुछ बूंदें नींबू के रस की डालकर बालों की जड़ों तक मालिश करें। इससे भी रूसी खत्म होती है। अगली विधि है दोस्तों मेरी, अरंडी का तेल लगाने से बाल लंबे रहते हैं और टूटते नहीं हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से आपके बाल उगने भी लगेंगे, जिससे आपके घने हो जाएंगे। बालों पर केमिकल युक्त साबुन और शैम्पू का प्रयोग ना करें। अगली विधि है दोस्तों मेरी, आंवला सेहत के लिए जितना लाभकारी है उतना ही बालों के लिए भी है। इसके नियमित सेवन बालों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और उसमें मजबूती आती है। सूखे आंवले का पाउडर बनाएं और उसमें मेहंदी और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को अपने पूरे बालों पर लगाएं। ऐसा नियमित करने से आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही अगली विधि है दोस्तों मेरी, बालों को काला करने के लिए एलोवेरा भी बालों को काला करने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। एलोवेरा के जेल को एक कटोरी में निकाल लें और उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालें। अब इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर सिर तक लगाएं। इसके नियमित इस्तेमाल से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।